Children, you have learned about life cycle of gymnosperms and you have learned that gymnosperms are vascular plants, means they have well developed conducting tissues, xylem and phloem, and they are not going to bear any flower like structure or fruit like structure. But yes, they have seeds. Seeds are naked, means their seeds are not enclosed by any fruit wall or fruit cover. Now we are going to study another group of plant kingdom, and this is angiosperm. This is representation of the life cycle of angiosperms, and angiosperms are known as flowering plants. They are also having seeds, but seeds are enclosed in the fruits. These are fruit bearing plants, these are flower bearing plants, and their seeds are not naked as we have studied in case of gymnosperms. In last lectures we have studied the life cycle of four groups of plant kingdom: thallophyta, bryophyta, pterophyta and gymnosperms, and this is the last group of kingdom plantae. So now let's discuss, first of all, before discussing their life cycle features, let's discuss their general features. Angiosperms jinko aap flowering plants kehte hain, in plants ki agar life forms ki baat ki jaye to ye डिफरेंट साइजेस में आपको दिखाई देंगे. जैसे दे कैन बी हर्ब्स, मीन्स बहुत स्मॉल हाइट प्लांट हो सकते हैं. दे कैन बी मीडियम साइज प्लांट्स लाइक श्रब्स, एंड दे कैन बी ट्रीज, मीडियम साइज ट्री और वेरी टॉल ट्रीज. तो इसमें एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो, देयर इज ए प्लांट वोल्फिया. दिस वोल्फिया इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म. इट इज नियरली माइक्रोस्कोपिक प्लांट. द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज Wolfia, and there are very tall plant also like eucalyptus plant. Eucalyptus plant can attain a height of more than 100 meters. Okay, so let's discuss what are the unique features of their life cycle. यहाँ पे इस flow chart में आपको बहुत सारे diagrams दिखाई दे रहे हैं. तो इनसे life cycle की अगर बात करें, तो जैसे gymnosperms में हमने कहा था कि उनकी life cycle डिप्लोंटिक टाइप की लाइफ साइकिल है. डिप्लोंटिक का मतलब होता है जिसकी लाइफ साइकिल में जो डोमिनेटिंग फेज है वो डोमिनेटिंग फेज डिप्लोइड है. डिप्लोइड मींस अगर सेल्स के पास डबल सेट होता है क्रोमोसोम्स का, इन दैट केस यू विल से दैट द सेल्स आर डिप्लोइड. तो यहां पर जितने भी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ज्यादातर स्ट्रक्चर्स डिप्लोइड नेचर के हैं, एंड दिस डिप्लोइड बॉडी to which all this structure belong, it is the sporophyte. ये आपको plant दिखाई दे रहा है, इसको हम sporophytic plant body कहते हैं. Sporophyte word आपको अब काफी familiar आपके लिए हो गया है. Sporo, sporophyte plant, spore producing plant. तो ये जो structure आपको दिखाई दे रहा है, जो अपने आसपास आप हर बार देखते हैं, आपको यहाँ ये जाना पहचाना plant दिखता है. कोई एक stem दिखाई दे रही है, roots हैं इसके पास, leaves हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस पर फ्लावर्स भी हैं और यहाँ पे फ्रूट्स भी दिखाए गए हैं. तो ये जितने भी आपको फ्लावर्स वाले प्लांट्स दिखाई देते हैं, फ्लावरिंग प्लांट दिखते हैं, ये सारे आप एंजियोस्पर्म्स देख रहे होते हैं. तो ये स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है और स्पोरोफाइट इज गोइंग टू प्रोड्यूस स्पोर्स. लेकिन कहाँ पे इसके स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे? यहाँ पर ये जो यूनिक स्ट्रक्चर है फ्लावर का, जो इससे पहले आपको जो चार ग्रुप्स पढ़ाए गए थे, आपको उनमें किसी भी प्लांट ग्रुप में ये स्ट्रक्चर जिसको आप फ्लावर कहते हैं नहीं बताया गया था. लेकिन ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो ये फ्लावर कैसा होता है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ दिस फ्लावर? दिस फ्लावर इज हैविंग टू यूनिक टाइप ऑफ लीव्स. ये ऐसे स्ट्रक्चर है, मॉडिफाइड शूट कह सकते हो फ्लावर को. फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट विच बियर टू स्पेशल टाइप ऑफ लीव्स, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल. हालांकि एक फ्लावर में चार लीव्स होती हैं, चार तरह की लीव्स. एक सेपल, दूसरा को आप पेटल कहते हैं, कलर्ड लीव्स जो होती हैं, और थर्ड टाइप ऑफ लीव इज नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल, एंड फोर्थ टाइप ऑफ लीव इज नोन एज मेगास्पोरोफिल. यहाँ इस लाइफ साइकिल में हम सिर्फ दो लीव्स की बात करेंगे. एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल, इनके जो भी इन स्ट्रक्चर्स के डिटेल्ड स्ट्रक्चर हैं, इनके फंक्शन हैं, ये आप 12th क्लास में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे हम सिर्फ इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे. तो जैसे आपको कहा कि इस फ्लावर में दो खास तरह के लीव, स्पेशलाइज्ड लीव, जिनको आप स्पोरोफिल्स कहते हैं,
वो यहाँ पे दिखाई गई है, ये फ्लावर इन दोनों लीव्स को बियर करता है। तो सबसे पहले आप देखिए, दिस इज ए स्ट्रक्चर मेगा स्पोरोफिल, आप देख रहे हैं इसकी एक टिप है जिसको स्टिग्मा कहा जाता है। देयर इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्टाइल एंड देयर इज ए स्वोलन स्ट्रक्चर नोन एज ओवरी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रक्चर को कार्पल, पिस्टिल या मेगा स्पोरोफिल कहा जाता है। स्पोरोफिल वर्ड आपको बताया गया था, फिल जब आता है तो उसका मतलब है लीफ, स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ। तो ये आपको कहीं से लीफ जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है जैसे ये लीफ दिखती होती है, लेकिन ये मॉडिफाइड लीफ है, इसीलिए ना तो ये इन ग्रीन लीफ की तरह से दिखाई दे रही है और ना ही इसका काम फोटोसिंथेसिस करना है, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। तो आपने इसकी शेप देखी, इसका स्ट्रक्चर देखा, इसके तीन मेजर पोर्शन होते हैं, इसकी स्टिकी टिप्स, चिपचिपी सी टिप होती है स्टिग्मा, उसके बाद एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर स्टाइल, और उसके बाद एक स्वोलन पोर्शन जिसको आप ओवरी कहते हैं। ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स मिलकर इस पूरी लीफ को बनाते हैं जिसका नाम मेगा स्पोरोफिल, पिस्टिल या कार्पल कहा जाता है। इसी तरीके से माइक्रोस्पोरोफिल, ये भी दूसरे टाइप की लीफ है इसी फ्लावर पे लगने वाली, लेकिन इसका नाम रखा गया है माइक्रोस्पोरोफिल या इसको हम स्टैमेन भी कहते हैं। तो ये भी आपको लीफ जैसे नहीं दिखाई दे रही है, ये मॉडिफाइड लीफ है, माइक्रोस्पोरोफिल लीफ है, यानी कि ये माइक्रोस्पोर्स बनाने वाली होगी। यहाँ पे भी इसके पास दो मेजर पोर्शन होते हैं, एक आपकी ये पिक दिखाई देगी इसका नाम एंथर, और एक इसका जो ये स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसको हम फिलामेंट कहते हैं। नाउ कम टू दिस मेगा स्पोरोफिल फर्स्ट, पहले इसको स्टडी कर लेते हैं। इसमें आपको इस ओवरी के अंदर स्वोलन पोर्शन के अंदर आपको यहाँ पे कुछ राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दिए, जैसे यहाँ पे मैंने दो दिखाए हैं, यहाँ पर ये राउंड स्ट्रक्चर एक भी हो सकता है या बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो ये जो राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इनका नाम होता है ओव्यूल्स या मेगा स्पोरेंजियम। याद कीजिए, मेगा स्पोरेंजियम एक ऐसा कंटेनर जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये वही स्ट्रक्चर है ओव्यूल। अब इस ओव्यूल को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ये कैसा होता है। ये ओव्यूल यहाँ पर डिटेल में दिखाया गया है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ओव्यूल्स एक ओवरी में हो सकते हैं, प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। तो ये ओव्यूल है, इसमें ये जो पहाड़ का कवर है इसको कहते हैं इंटेगमेंट, और इसके अंदर यहाँ इसकी एक स्टॉक दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं फ्यूनिकल। एंड इन दिस मेगा स्पोरेंजियम देयर इज ए टिश्यू नोन एज न्यूसेलस, दिस न्यूसेलस। ओके, तो यहां तक हम इसे मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। इस मेगा स्पोरेंजियम के अंदर एक खास तरह की सेल न्यूसेलस से, न्यूसेलस नामक टिश्यू से एक खास सेल जिसको आप मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं वो डेवलप होगी। मेगास्पोर मदर सेल विल बी डिप्लॉयड, ये यहाँ से स्पोरोफाइट, ये पूरा स्ट्रक्चर अभी तक डिप्लॉयड है। इस स्ट्रक्चर को एक बार हम हटा देते हैं, अभी आपसे इससे बात हुई नहीं है। तो जैसे यहाँ पे न्यूसेलस है और इसकी सभी सेल्स डिप्लॉयड है। अब इस न्यूसेलस की एक सेल, जैसे यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया, ये पूरा ही स्ट्रक्चर सेल से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ एक सेल को हाईलाइट करके दिखाया है। दिस सेल इज नोन एज मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। एंड व्हाट इज प्लॉयडी ऑफ दिस सेल, इट इज डिप्लॉयड। अभी ये सब कुछ डिप्लॉयड है, न्यू सेलस, मेगास्पोर मदर सेल, इंटेगमेंट की सेल्स, फ्यूनिकल की सेल, हर चीज डिप्लॉयड में चलती है क्योंकि ये इस स्पोरोफाइट से बिलोंग करती है। लेकिन इस मेगास्पोर मदर सेल में अब होंगे डिविजन्स, डिविजन्स मियोसिस डिवीजन, एंड मियोसिस डिवीजन के बाद इस मेगास्पोर से चार सेल्स प्रोड्यूस होंगी। जैसे यहाँ पे हम मेगास्पोर दिखाते हैं, एंड इट विल फॉर्म फोर मेगास्पोर्स, ये चार मेगास्पोर्स बने, चारों के चारों हैप्लोइड नेचर के होंगे क्योंकि मियोसिस से बने हैं। इनमें से तीन डी जनरेट कर जाते हैं, सिर्फ एक स्ट्रक्चर या एक मेगास्पोर यहाँ पे रह जाएगा। तो इस पूरे कंटेनर के अंदर ये एक मेगास, इसको अब हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो ये एक रिमेनिंग मेगास्पोर है, तीन डी जनरेट कर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, ठीक है।
तो ये मेगास्पोर हुआ और इस मेगास्पोर से जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है अब फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा। फीमेल गैमेटोफाइट जो बहुत ज्यादा रेड्यूस्ड स्ट्रक्चर आप उसको कह सकते हो, हाईली रेड्यूस्ड स्ट्रक्चर विच लाई विद इन दिस ओव्यूल और मेगास्पोरियम। तो जैसे ये एक सेल है ये धीरे धीरे मॉडिफाई होती है, इसमें चेंज आते हैं एंड इट विल डेवलप इनटू दिस स्ट्रक्चर। इसको हम मेगास्पोर को दोबारा से बना देते हैं, इससे ये स्ट्रक्चर जिसको आप एम्ब्रियो सैक कहते हैं या फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं ये इसके अंदर होता है। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को मैंने दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया है और डिटेल में देखने के लिए आप यहाँ देखिए, ये गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट बॉडी थी लेकिन इसके अंदर अभी एक छोटा सा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है जिसको आप फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या हुआ? गैमेटोफाइट ऐसा प्लांट जैसा स्ट्रक्चर जो फीमेल गैमेट यानी एग बनाएगा। तो क्या ये आपको प्लांट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है? नहीं दिखता, क्योंकि एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, ये बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है, इतना रिड्यूस हो गया है कि ये स्पोरोफाइट की बॉडी के अंदर ही है, अलग से कोई प्लांट बॉडी आपको नहीं दिखाई दे रही। इसी प्लांट के इस प्लांट में फ्लावर के अंदर ये पिस्टिल या कार्पल, उसकी उस ओवरी में ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट, ये स्ट्रक्चर। अब इसको गैमेटोफाइट क्यों कह रहे हैं? इसमें एग होना चाहिए, एग कहाँ पे है उसके लिए इसको डिटेल में देखिए। इसमें मैंने टोटल 8 न्यूक्लियस दिखाए हैं, 8 न्यूक्लियाइज आर शोन इन दिस स्ट्रक्चर। जैसे 3 ये दिखाए हैं, इनमें से सेंटर वाला है ये वाला, इस सेंटर वाले न्यूक्लियस को हम कहते हैं एग न्यूक्लियस। इसके जो दोनों तरफ जो न्यूक्लियाई है इनको हम कहते हैं सिनर्जेट्स। बीच में जो दिखाए गए हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और जो ऊपर वाले जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं, 3 न्यूक्लियाई हैं, इनको हम कहते हैं एंटीपोडल न्यूक्लियाई। इस वक्त इसमें टोटल 8 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम अभी इसको इस स्ट्रक्चर को यहीं छोड़ देते हैं। अब एक बार जरा इस माइक्रोस्पोरोफिल की बात और करें। माइक्रोस्पोरोफिल में जो ये एंथर रीजन है, इस एंथर पोर्शन में यहाँ पर पोलन ग्रेन्स बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जिनको आप अगर आपने डिटेल में देखना तो आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी। यूनिसेलर स्ट्रक्चर्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस पोर्शन एंथर पोलन ग्रेन्स। दिस पोलन ग्रेन्स एक्चुअली ये स्पोर्स हैं, ये माइक्रोस्पोरोफिल इसलिए बोली जा रही है क्योंकि इसने स्पोर्स प्रोड्यूस किए और उन स्पोर्स का नाम माइक्रोस्पोर्स को आप बाद में पोलन ग्रेन्स कहते हैं। कुछ डेवलपमेंटल पीरियड्स के बाद आप इसे पोलन ग्रेन बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये माइक्रोस्पोर्स ही हैं जो इस एंथर रीजन में प्रोड्यूस हुए। और क्योंकि ये माइक्रोस्पोर बनाने वाली लीव है, मॉडिफाइड लीव है, इसलिए हमने इसका नाम माइक्रोस्पोरोफिल या स्टैमेन रखा है। अब क्या होता है कि ये माइक्रोस्पोर्स यानी पोलन ग्रेन्स किसी भी तरीके से, किसी भी एजेंसी से, जैसे विंड, वाटर, बैट, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एनी अदर एनिमल, कोई भी एजेंसी हो सकती है, चाहे वो लिविंग एजेंसी है चाहे वो नॉन लिविंग एजेंसी है, किसी भी रास्ते से, किसी भी तरीके से ये पोलन ग्रेन्स इस एंथर से निकलते हैं और पहुंच जाते हैं इस स्टिग्मा के सरफेस पे। स्टिग्मा के सरफेस पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने इस डायग्राम को डिटेल में दिखाया है, ये पोलन ग्रेन यहाँ लैंड किए हैं स्टिग्मा के सरफेस, क्योंकि वो चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, ये लैंड कर जाते हैं। लैंड करने के बाद अब ये पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट करना शुरू करेंगे। जर्मिनेट करने के बाद इनसे एक ट्यूब बाहर आती है जो हमने यहाँ पे दिखाई है, ये ट्यूब दिखाई दे रही है, दिस इज द ट्यूब। एंड इस ट्यूब की खासियत क्या है कि इसमें आपको दो मेल गैमेट दिखाई दे रहे हैं, क्लियर है। तो मेल गैमेट तो इस ट्यूब के अंदर है और फीमेल गैमेट कहाँ है? देखिए ये ओव्यूल है, यही वाला स्ट्रक्चर, इस ओव्यूल में ये एम्ब्रियो सैक है जिसमें हमने अभी डिटेल पढ़ी थी। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पर एग है, इस रीजन में एग है। तो इस ट्यूब के बनने के पीछे रीजन क्या है कि ये मेल गैमेट्स को इस एग तक लेके जाने वाली है। कितने मेल गैमेट्स हैं? 2 मेल गैमेट्स हैं। और हर एम्ब्रियो सैक में कितने एग बताए गए हैं आपको?
यहाँ सिर्फ एक एग बताया गया, एग यहाँ एक है, मेल गैमेट यहाँ पर दो है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल गैमेट्स का होना जरूरी है, वो आप देख रहे हो कि मेल गैमेट्स भी तैयार है और एग भी बन चुका है। अब ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अगर हमें इस स्ट्रक्चर को फीमेल गैमेटोफाइट कहा था तो जहां पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें आपको एक सेल, ये पोलन ग्रेन, इससे निकलती हुई एक ट्यूब और इस ट्यूब में दो मेल गैमेट, ये स्ट्रक्चर ये मेल गैमेटोफाइट है। फिर से बताइए, गैमेटोफाइट का मतलब प्लांट जो गैमेट बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट मतलब ऐसा प्लांट जो मेल गैमेट्स बनाने वाला है। तो क्या ये मेल गैमेटोफाइट, अगर आप इसे बोलते हो तो क्या ये मेल गैमेटोफाइट एक प्लांट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है? नहीं दिखता, ये तो सिंगल एक सेल है और उससे निकलती हुई एक ट्यूब है, उस ट्यूब में दो मेल गैमेट्स हैं। तो आप देखो, चाहे फीमेल गैमेटोफाइट है चाहे मेल गैमेटोफाइट है, दे आर हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर, बहुत छोटे स्ट्रक्चर हो गए हैं। दे आर नॉट हैवी, दे आर सेपरेट आइडेंटिटी, अलग से कुछ नहीं है कि दे कैन ग्रो सेपरेटली फ्रॉम दिस मेन प्लांट बॉडी, ये स्पोरोफाइट के अंदर ही है। ठीक है, तो यहां पर ये मेल गैमेट्स लेके आती हुई है पोलन ट्यूब, दिस इज द पोलन ट्यूब एंड ये मेल गैमेट यहां तक आ गए। आने के बाद अब आगे क्या होने वाला है, द मेल गैमेट्स जैसे ये थोड़ा सा हम इसको बड़ा करके दिखाते हैं, यहाँ पे दो गैमेट्स हैं, तो इनमें से एक मेल गैमेट इस एग के साथ फ्यूज कर जाता है, मतलब ये ट्यूब यहाँ तक जाएगी और एग के साथ फ्यूज कर जाता है। तो जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो कौन सी सेल बनती है? जायगोट बनती है, और उस जायगोट से बाद में क्या डेवलप होने वाला है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बाद में क्या बनाएगा? प्लांट बॉडी बनाने वाला है। तो जायगोट बन जाएगा जब वन ऑफ द मेल गैमेट विल फ्यूज विद दैट ऑफ एग। अभी एक और मेल गैमेट यहाँ पर है, तो ये दूसरा वाला जो मेल गैमेट है वो इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है। वन ऑफ द मेल गैमेट विल फ्यूज विद दैट ऑफ एग एंड अनदर विल फ्यूज विद दैट ऑफ पोलर न्यूक्लियाई। तो कितनी बार फ्यूजन हुआ? दो बार फ्यूजन हुआ, एक बार फ्यूजन एग के साथ हुआ, दूसरे मेल गैमेट ने फ्यूजन पोलर न्यूक्लियाई के साथ किया। तो दो बार फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो एंजियोस्पर्म की एक यूनिक फीचर होती है। आपसे पूछा जाए व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, आप कहोगे टू टाइम्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दो बार गैमेट्स का फ्यूजन होना। कौन से दो टाइम हुआ है? फर्स्ट टाइम द मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग, सेकेंड टाइम द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद दैट ऑफ पोलर न्यूक्लियाई। तो दो बार फ्यूजन हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक और यूनिक चीज जो इनकी लाइफ साइकिल से जुड़ी हुई है वो ये, अब आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको कितने पोलर न्यूक्लियाई बताए थे, आपको कहा था यहाँ पे दो न्यूक्लियाई है और तीसरा न्यूक्लियस या मेल गैमेट यहाँ से ये तीन फ्यूज कर गए, तो इनके फ्यूजन को, तीन न्यूक्लियाई के फ्यूजन को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज इन दिस टू टर्म्स, ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को एक बार दोबारा से समझिए। पोलन ट्यूब में दो गैमेट्स थे, एक गैमेट ने एग के साथ फ्यूज किया, दूसरे गैमेट ने पोलर न्यूक्लियाई के साथ किया, तो दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन कहा जा रहा है। फ्यूजन ऑफ, और यू कैन से टू टाइम्स फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ यहाँ पर एक और प्रोसेस चल रही है ट्रिपल फ्यूजन। ये जो दूसरे वाला गैमेट बताया गया था इसने दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन किया है, इसलिए बिकॉज थ्री न्यूक्लियाई आर फ्यूजिंग टुगेदर दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। अब इनके प्रोडक्ट्स क्या है? अगर ये मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करता है तो जायगोट बनता है, ये अभी आपसे बात हुई थी। लेकिन जो दूसरा मेल गैमेट जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करा था ये बनाता है PEN, PEN means primary endosperm nucleus, primary endosperm nucleus। तो ट्रिपल फ्यूजन का जो प्रोडक्ट है वो तो है P
PEN primary endosperm nucleus और इस सिनगैमी जो सिर्फ एग के साथ फ्यूजन हुआ था इससे बनने वाला है जाइगोट। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर जब फ्यूजन हो चुका है अब मेजर चेंजेस आने वाले हैं इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर देखिए पोलन ग्रेन का काम था कि वो पोलन ट्यूब के रास्ते की हेल्प से मेल गैमेट तक यहाँ तक पहुंच जाना, तो इनका काम खत्म हो चुका है तो हम इनको हटा देते हैं। ठीक है, इस टाइल का और स्टिग्मा का काम भी खत्म हो गया। स्टिग्मा का काम था पोलन ग्रेन्स को अपने सरफेस पे स्टिक करना जिससे पोलन ग्रेन्स वहाँ पे लैंड कर सके और पोलन ट्यूब निकल सके, वो काम खत्म हो गया। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ से हम हटा देते हैं, अब ये धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस ओव्यूल की जिसमें ये सब चला है, इस ये सारा इवेंट चला हुआ है। इसमें जो जिसको पहले आप एट सेल स्ट्रक्चर कह रहे, एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कह रहे थे जिसमें से बीच वाले सेल को तो एक कहा था, दो सिनर्जिट्स थे, तो ये सिनर्जिट्स भी यहाँ से अब हम हटा देते हैं, इनका कोई काम नहीं है यहाँ पे अब। और ये तीन एंटीपोडल थे ये भी यहाँ से डीजनरेट कर देंगे। ठीक है, तो अब बचा क्या इस फीमेल जेनेटोफाइट में, अब क्या रह गया है? इसमें दो चीजें हैं, एक ऐसी सेल जिसको आप क्या कह रहे हो जायगोट। ठीक है, इस मेल गैमेट ने जब एग के साथ फ्यूज किया तो ये जायगोट सेल बनाई थी, और एक और न्यूक्लियस है उस सेल का जिसको आप अब इस न्यूक्लियस को आप कहते हो PEN और इस सेल का नाम रख देते हो आप PEC प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो अब हमारे पास सिर्फ दो ही सेल्स बची यहाँ पर, एक तो जायगोट सेल और एक PEC सेल। जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा और PEC से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म बनेगा जो एक फूड प्रोवाइडिंग टिश्यू है, फूड मिलेगा इससे प्लांट्स को, इस एम्ब्रियो को। अब ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर जैसे आप इस ओवरी को बड़ा करके यहाँ पे दिखाएं और इसको यहाँ पे हम रख देते हैं ये ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर हमारी दो सेल्स। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो एरिया जिसको पहले आप क्या कह रहे थे ओवरी कह रहे थे, ये फ्रूट बनना शुरू हो जाती है। ये जो स्ट्रक्चर है जिसको आप क्या कह रहे थे, यहाँ से हमने क्या पढ़ना शुरू किया था कि ये तो ओव्यूल है, ये ओव्यूल था, तो ये ओव्यूल ओव्यूल नहीं रहता, ये सीड बन जाता है, ये फ्रूट बन जाएगा। और ये जो ओव्यूल जैसे यहाँ दो ओव्यूल दिखाए थे तो इस जगह पे दो सीड्स नजर आएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, तो दिस स्ट्रक्चर विल बी सीड। और इसके सीड के अंदर दो चीजें होंगी, एक तो इस जायगोट से सीड में होता क्या है, सीड में एक छोटा सा प्लांट होता है अनडेवलप्ड प्लांट, जैसे आप सीड को सॉइल में डालते हैं उसको ऑप्टिमम कंडीशंस देते हैं जर्मिनेट होने के लिए, तो उस सीड में से क्या निकलता है छोटा सा प्लांट निकलना शुरू हो जाता है, प्लांट डेवलप होना शुरू कर देता है। तो प्लांट कहाँ से डेवलप हो रहा है, उसमें एक छोटा सा प्लांट है जिसको अभी आप एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो कैसे बना होगा, एम्ब्रियो जायगोट से बनेगा। ठीक है, तो ये जो जायगोट है ये बाद में एम्ब्रियो बना लेगा, ये जो PEC थी इससे फ्रूट बनेगा जिसको आप एंडोस्पर्म कहते हो, ये ओव्यूल जो है ये बाद में सीड कहलाता है और इस ओवरी से बन जाएगा फ्रूट। तो यहाँ पे देखो मैंने दिखाया है इसको ट्रांसफॉर्म होने के बाद, ये ओवरी थी लेकिन अब इसको मैंने रेड से हाईलाइट किया, ये इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, ये फ्रूट बन जाती है। इसके अंदर जितने भी ओव्यूल्स थे सब क्या बन जाएंगे, सीड्स बन जाएंगे। अगर यहाँ दो ओव्यूल्स थे तो हम यहाँ पे दो सीड्स दिखा देते हैं, और हर सीड के अंदर, हर सीड के अंदर ये देखिए क्या होगा, एक तो ये छोटा सा प्लांट जिसको आप एम्ब्रियो कहते हो, और इसके आस पास क्या होगा, फ्रूट भरा होगा जो उसको जब ये डेवलप होगा तो इसके लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट इसकी न्यूट्रिएंट्स की देगी वो ये न्यूट्रिएटेड टिश्यू देगा जिसको आप एंडोस्पर्म कहते हैं। ये सीड है और इसको हम कवर कर देते हैं सीड कोट से, सीड कोट इंटेग्यूमेंट से बनेगी, जो ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स थे बाद में सीड कोट बन जाते हैं, कवर बन जाते हैं, ये एक सीड है। अब इस सीड में जो ये एम्ब्रियो है, देखिए मैंने इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के भी दिखाया है, इस एम्ब्रियो के दो मेन रीजन होते हैं, एक को आप कहते हैं प्लूम्यूल और एक को कहते हैं आप रेडिकल। क्योंकि ये छोटा सा अभी तो प्लांट जैसा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, छोटा सा अनडिफरेंशिएटेड प्लांट है, एम्ब्रियो है, अनडिफरेंशिएटेड है लेकिन।
इसमें दो रीजन होते हैं, एक तो प्लूमर और एक क्रैनिकल। प्लूमर से तो बाद में बनेगी शू, जैसे जैसे ये धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेगा, सीड से बाहर आएगा तो ये तो इसके शूट बन जाएंगे। ये वाला हिस्सा सॉइल से ऊपर वाला जो हिस्सा जिस पे लीफ लगती है, स्टेम लगती है, और रेटिकल से इसकी बाद में रूट डेवलप होगी, ठीक है। लेकिन इसी एम्ब्रियो में दो स्ट्रक्चर्स और होते हैं जिनको आप कोटिलेडन कहते हैं, लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं कोटिलेडन। तो अगर एक कोटिलेडन है उस एम्ब्रियो में, किस प्लांट दो तरह के होते हैं, कुछ प्लांट्स के एम्ब्रियोज में सिर्फ एक लीफी स्ट्रक्चर होता है, एक ही कोटिलेडन होता है, ऐसे एम्ब्रियो को हम कहते हैं मोनोकोटिलेडन एम्ब्रियो। मोनो सिंगल, कोटिलेडन मतलब वो लीफ जैसा स्ट्रक्चर, और एम्ब्रियो ये वाला जो अनडेवलप्ड प्लांट है। लेकिन कुछ प्लांट्स डाइकोटिलेडन प्लांट्स बोले जाते हैं क्योंकि उनके एम्ब्रियो में दो कोटिलेडन होते हैं। जैसे यहाँ मैंने ये दिखाया है डाइकोट का एम्ब्रियो है, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जो लीफी स्ट्रक्चर, ये लीफी स्ट्रक्चर, ये दो लीफ जैसे स्ट्रक्चर, इनको कोटिलेडन कहा जाता है क्योंकि ये दो हैं, ये डाइकोट एम्ब्रियो है। मोनोकोट डाइकोट के बारे में डिटेल में आप नेक्स्ट यूनिट में फिर से पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ हमने एक ब्रीफ लाइफ साइकिल का जो इनका व्यू है सिर्फ वही स्टडी किया है। वी हैव स्टडीड देयर लाइफ साइकिल वेरी ब्रीफली। डिटेल में आपकी पूरी लाइफ साइकिल सभी स्ट्रक्चर्स की जो फंक्शनिंग है वो मैंने कहा था वो 12th क्लास में कवर होगी। लेकिन ये मेन इवेंट जरूर याद रखिएगा एंजियोस्पर्म से जुड़े हुए। एंड जैसे आपको शुरू में बताया था कि इनकी जो लाइफ फेज है वो डिप्लोन्टिक फेज है, डिप्लोन्टिक लाइफ आएगी है। ये जो ये जो सीड बना है इसके बाद फिर से प्लांट बन जाएगा स्पोरोफाइट। अब जरा प्लोइडी, अब हम डिप्लोन्टिक की बात करें तो प्लोइडी की बात कर लेते हैं। देखो ये एम्ब्रियो कहाँ से आया था, जायगोट से, और जायगोट डिप्लोइड था, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो डिप्लोइड है, तो ये पूरी प्लांट बॉडी कैसी होगी, डिप्लोइड। ये सारे स्ट्रक्चर डिप्लोइड है, सिर्फ दो जगह पे हैप्लोइड स्टेज आई है। एक तो जब वो गैमेटोफाइट बना था ये वाला जो मेगास्पोर से डेवलप हुआ था, और एक ये जो पोलन ग्रेन्स हैं माइक्रोस्पोर्स, ये डिप्लोइड स्टेज है इनकी, जिसमें मेल गैमेट्स, मेल फीमेल गैमेट्स डिप्लोइड है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डिप्लोइड है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर डिप्लोइड नेचर का है। दैट्स व्हाई देयर लाइफ साइकिल इज नोन एज डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल।